एक बाजार में दो पड़ोसी दुकानदार थे। एक का नाम था लोदी और दूसरे का नाम था टिंग टोंग। जब भी ग्राहक कोई ऐसा वस्तु मांगते थे जो इनके दुकान में नहीं होता था, तो दोनों दुकानदार एक दूसरे के दुकान से सामान लाकर ग्राहकों को बेचते थे। अचानक एक दिन दोनों दुकानदारों में झगड़ा हो गया और लोदी ने तय किया कि वो टिंग टोंग के दुकान से सामान नहीं बेचेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि बाज़ार में दुकानदारों का एक समूह है और वो समूह इनको ऐसा करने से रोकती है। नमस्कार, मैं हूँ शुभम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष एपिसोड जिसका नाम है ज्ञानदार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं बात कर रहा हूँ भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों की। पर आपके मन में एक सवाल रह गया कि वो संगठन कौन था जो लोदी को जिनपिंग के दुकान से सामान नहीं लाने के निर्णय को रोक रहा था। वो संगठन था WTO। WTO पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जन्म 1995। काम सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना तथा इसका निगरानी करना। इसके अलावे सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का निपटारा करना और भी बहुत कुछ। इसमें सदस्य देश हैं 164, जिसमें भारत और चाइना दोनों शामिल हैं। तो प्रश्न उठता है कि WTO में ऐसा क्या है जो हमें अपने दुश्मन देशों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने से रोकती है। तो WTO का एक नियम है कि इसमें जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में कभी भी व्यापारिक संबंध नहीं तोड़ेंगे, अर्थात एक दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अगर कोई देश ऐसा हिम्मत करता है तो उसे WTO की सदस्यता गंवानी पड़ जाएगी, यानी कि उस देश को WTO नामक समाज से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर WTO के जितने भी सदस्य देश हैं वो इस देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे और ये देश दुनिया में अलग थलग हो जाएगा। बस यही कारण है कि हमारी सरकारें चाइनीज़ उत्पादों पर सीधे बैन लगाने के बजाय विभिन्न संगठनों के द्वारा नागरिक को प्रेरित करती है कि आप चाइनीज़ सामान का बहिष्कार कीजिए, आप स्वदेशी अपनाइए और अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए और दुश्मन देशों के आर्थिक स्थिति में सहयोग मत करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक आज लेते हैं विदा। नमस्कार।